नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर के पहले सेट का पेपर ओवर जो हो चुका है, 10:30 बजे पेपर ओवर हो चुका है। तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा जो आप सबके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम क्राइसिस देखना काफी इंपॉर्टेंट है। लगातार इसी तरीके के प्रश्न पूछे जा रहा है और कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में। इसके साथ बता दें अगर आपने एमडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप एमडी क्लासेस के परिवार नहीं बने हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी एग्जाम से संबंधित जानकारियां मिलती है। कोई भी नई वैकेंसी आ गई तो उसकी भी जानकारी आपको तुरंत मिलती है, साथ ही साथ हर एक दिन के हर एक सेट के एनालिसिस आपको यहां पर मिलते हैं पूरी कंप्लीट पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके अलावा अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फॉलो करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने वहां पर शुरू कर दिया क्रैश कोर्स अर्थमेटिक और एडवांस का, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और लगातार आपकी परीक्षाओं में इसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्वेश्चन पूछे रहे हैं उसके भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से कि आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा जो महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे 1928 के देवदास मूवी के डायरेक्टर कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो भैया काफी पुराना क्वेश्चन पूछ लिया, अब हम आ गए हैं 2018-19 में और ये पूछ रहे हैं हमसे 1928 के, तो आप समझ सकते हो कितना पुराना क्वेश्चन, मतलब पूछ रहे हैं कितने पुराने डाटा ये लोग पूछ रहे हैं। अगर याद होगा तो आप आंसर लगा सकते हो, लेकिन अगर नहीं याद होगा तो इस क्वेश्चन को छूइएगा मत, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। लगाने का एक तरीका ये था कि ऑप्शन से देख लो कि कौन से डायरेक्टर नए हैं, क्योंकि बात 1928 की हो रही है, तो अगर नए डायरेक्टर होंगे उसके हिसाब से आप जो होगा आंसर वो कट कर सकते हो और आप सही आंसर लगा सकते हो, एक हिसाब से इस तरीके से आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप आंसर छोड़ दो तो ज़्यादा बेटर होगा। एक क्वेश्चन आया था शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस और नाम से जाना जाता है, आपको पता होगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब ये होता है कि भैया शिफ्ट करने वाला, जैसे आज हम लखनऊ में हैं तो चलो हम लखनऊ में आज अपना काम कर लें, फिर कल गुजरात है, गुजरात में चलो हम अपना खेती कर लें, मतलब इस तरीके से पुराने जमाने की बात हो रही है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है, स्वीडन एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, अब मैंने आपसे कल ये बताया था कि भैया देखिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम को वो अपोजिट करके पूछ लेना है, जैसे कि अगर उनसे पूछना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है तो योगी आदित्यनाथ, आप आंसर बता देते। लेकिन कल से क्या हो रहा था, कल से ये चेंजिंग होता है कि आपको वो योगी आदित्यनाथ दे रहे थे कि वो किस राज्य के मुख्यमंत्री, तो आप क्या बताए थे गुजरात उत्तर प्रदेश के। इसी तरीके से वो राज्य और राजधानी, देश और उसकी राजधानी में भी डिफरेंस कर दिए हैं। उन्होंने क्या कहा कि भैया प्योंगयांग जो है वो कहाँ की राजधानी है, इससे पहले क्वेश्चन आता था उल्टा। तो आपको अब देखिए ट्रिक वगैरह काम नहीं आती, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ भैया कोई ट्रिक मत देखिए, कभी काम नहीं आएगी और चीज़ें आपकी नुकसान कर जाएंगी। तो प्योंगयांग जो है वो नॉर्थ कोरिया की राजधानी है और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले पे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन जो आया इसमें आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन से आपसे पूछा था किस तत्व को हम लोग रेडियो एक्टिव कहते हैं, चार पांच ऑप्शन आपके दिए हुए थे, जिसमें से बच्चों ने बताया कि सर एक्टिनाइड जो है वो ऑप्शन में दिया हुआ था। तो अगर एक्टिनाइड दिया होगा तो एक्टिनाइड जो पूरा का पूरा आपका सीरीज है, पूरा का जो पीरियड है वो रेडियो एक्टिव है, सारा का सारा उसमें जितने भी एलिमेंट है सभी के सभी क्या है रेडियो एक्टिव है। साथ ही साथ देखिए पावर सारणी से कई सारे क्वेश्चन आ रहे, एक क्वेश्चन ये आ गए जो लैंथेनाइड जो पूरा का पूरा आपका पीरियड है वो किस नंबर से किस नंबर के परमाणु क्रमांक को कवर करता है, तो 58 से लेकर 71 तक के परमाणु क्रमांक को कवर करता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके वो क्वेश्चन को पूछे जाने लगे हैं, अभी एलपी में यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन वाले पेपर में वो इस तरीके से पूछ रहे थे कि भैया अगर ये 16 है तो बताइए 16 जो है किस एलिमेंट का परमाणु क्रमांक है, लेकिन अब लोग उल्टा कर दे रहे हैं, वो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दे रहे हैं 2 बार 6, अब कह रहे हैं ये बताइए किसका एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है। तो तब भी आप क्या करोगे, सभी चीज़ों को जोड़ लो, अगर मानो कुछ और चीज़ों बढ़ा देते तो आप उसको भी जोड़ लो, उसके हिसाब से बता दोगे तो ये आंसर आएगा 16 16 होता है सल्फर का, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले पर हम बात करते हैं, संजू मूवी के डायरेक्टर पूछे थे इन्होंने, संजू मूवी जिसको आपको पता है कि रणवीर कपूर ने उसमें एक्टिंग करी हुई है मेन लीड के रूप में, उस मूवी के डायरेक्टर कौन है, राजकुमार हिरानी जी हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कैनरा बैंक के सीईओ, देखिए बैंक के सीईओ पे 2 क्वेश्चन आया था, एक आया था आपके कैनरा बैंक के सीईओ और एक आपके आया था एक्सिस बैंक के सीईओ, दोनों जो है अलग अलग स्टेट में आए हुए थे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के मैं बताता हूँ कौन कौन होंगे। तो सीईओ ऑफ कैनरा बैंक, मेरे पास सीईओ की काफी इंपॉर्टेंट वीडियो पड़ी, मैं आज कल मैं उसको अपलोड करने वाला हूँ चैनल पर, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत मजेदार है, आपको फिगर के हिसाब से समझाएंगे, देखिए ट्रिक वगैरह समझाने से कोई मतलब नहीं है, 2 दिन में आप भूल जाओगे, लेकिन जब आपको फिगर बना के दिखाएंगे तो चीज़ें आपको थोड़ी सी याद हो जाएंगी और आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगा। तो कैनरा बैंक के सीईओ कौन है, राकेश शर्मा जी हैं, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था, कर्जन के द्वारा हुआ था, आपको पता है ये लॉर्ड कर्जन। आमिर खान को 2017 में किस मूवी के लिए अवार्ड मिला था, तो आमिर की उनकी जो 2017 में एक ही मूवी आई थी, आमिर खान ने तो हर एक साल एक दो मूवी आती है, एक मूवी मिला आती है, तो दंगल मूवी आई थी 2017 में, तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन आ गया, अगर बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर देखा होगा, लगाने का तरीका देखा हो तो लगा दिए होंगे, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता होगा उनके आंसर ये गलत हो गएंगे। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि 90 ग्राम पानी में कुल कितने मोल होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो देखिए करना कुछ नहीं होता है, 90 ग्राम पानी है, नीचे आपसे कहा कि मोल कितने होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो मोल ऐसे हम निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको दिया है 90 और जो
वो पानी है ना, ये पानी का क्या होता है, H2O होता है, जिसमें ये क्या आपका होता है, ये क्या होता है, ये आपको निकाला, ये कितना आपका हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों आप मिला दोगे तो भैया ये होता है 16 और ये आपका हो जाएगा 2, 16 2 18, तो इसी 18 से आप भाग देते, यानी इनके परमाणु क्रमांक से आप भाग देते तो 18 5 95 5 यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। क्लोरीन की आपसे पूछा था कि क्लोरीन की परमाणु भार आपसे पूछा था 35.5, यानी 35.5 होता है किसका, क्लोरीन का परमाणु भार, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। कितना होता है क्लोरीन का परमाणु भार, सभी लोग फिर से बताइए, 35.5 होता है और ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल से आपके कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल पे बेस्ड काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो न्यूमेरिकल पे आज जो आए थे 3 क्वेश्चन आए थे। बच्चों ने बताया कि एक जो सर क्वेश्चन आया था वो K=1/2 mv² पे आया था, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फार्मूला, और रेलवे में लगातार इसी पे फार्मूला पे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। मेरे पास कई सारे बच्चों के फोन आए, कई सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर एक फार्मूला ले क्वेश्चन बना दीजिए, पूरा वीडियो बना दीजिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ और बना रहा हूँ, और जल्दी आपके आपके सामने वो फार्मूला की जो पूरी की पूरी वीडियो है वो पूरा आपके सामने रेडी हो जाएगा, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, अगले क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अगले क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है कि CEO ऑफ एक्सिस बैंक, मैंने आपको कैनरा बैंक का CEO बताया हुआ है, अब एक्सिस बैंक के CEO आपसे पूछा गया, तो जरा एक्सिस बैंक के CEO की हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर एक्सिस बैंक के CEO कौन है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे एक्सिस बैंक के CEO के, तो कौन है यहाँ पे, फिर से करते हैं, एक्सिस बैंक के CEO अमिताभ चौधरी जी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष पूछा आपसे कौन है, तो सुमित्रा महाजन जी हैं, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, 17 मई लोकसभा के इलेक्शंस कब होंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो कब होंगे भैया, 17वीं लोकसभा है, यहाँ पे 17वीं लोकसभा है, मई नहीं एक्चुअली में, जो 17वीं लोकसभा है उस पर आपसे इलेक्शंस की बात किया हुआ है, कि उस पर इलेक्शंस जो होंगे वो कब होंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो देखिए मई इसी 2019 में होने वाला, अगर 2019 आपको पता है इलेक्शंस का मौसम है और 2019 में ही चुनाव होंगे, और आप इस क्वेश्चन का वही बिल्कुल सही आंसर लगाओगे। यजुवेंद्र चहल किस गेम से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो क्रिकेट से संबंधित है, कौन, यजुवेंद्र चहल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको पता ही है क्वेश्चन का आंसर। देखिए महावीर जी के ऊपर आ गया, महावीर स्वामी जो है उनसे पूछा था का कि जैन धर्म के किस नंबर के तीर्थंकर रहते, तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किस नंबर के तीर्थंकर है, तो आप लगा दोगे 24वें, और दूसरा ये है कि वो क्वेश्चन अगले आपके सिर्फ में ये आ सकता है कि भैया महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, तो दोनों क्वेश्चन का आप आंसर सही लगा सकते हो। 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 किसे दिया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो शंखा घोष इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। CNG का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, तो CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG का फुल फॉर्म होता है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के बारे में पूछा गया, तो इक्काडू श्रीनिवासन लक्ष्मी नरसिंहन, ये इतना बड़ा नाम है, शायद इतना बड़ा आंसर ना दिया होगा, आपके पास लक्ष्मी नरसिंहन करके दिया होगा तो आप वो सही लगा दोगे। मानव शरीर के सबसे बड़े अंग की बात की, तो स्किन और लीवर दोनों में ही कन्फ्यूजन होता है, दोनों में आपके पास जो ऑप्शन होंगे भैया लगा दीजिएगा, कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा, कन्फ्यूजन में पड़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। रीजनिंग की बात करें, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग में, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि देखिए रीजनिंग में आप आराम से 30 में से कम 25 प्लस क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, लेकिन 25 तो करिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि अगर आप उससे कम क्वेश्चन करोगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, चीज़ों को आप खुद ही नहीं समझ पाओगे, चीज़ों को आप खुद ही नहीं हैंडल कर पाओगे, तो करना क्या आपको कम से कम 25 क्वेश्चन तो करना ही करना, ताकि किसी भी हालत में वो क्वेश्चन आपके सभी के सभी सही हो जाए और नंबर आपके ज़्यादा से ज़्यादा है। अगर आपके 65 से ज़्यादा नंबर बनना है तो फिर आपके लिए खुशखबरी भैया कि अच्छा काम हो रहा है, आपके नंबर 65 से ज़्यादा बनना है, लेकिन अगर 65 से कम बनना है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 65 से कम नंबर बिल्कुल ना बने, क्योंकि अगर 65 से कम बनेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत ये होगा कि आपके लिए आगे जाके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी, तो 65 प्लस स्कोर करने का आराम से सोचिए कि उतना स्कोर हमको करना है। एक क्वेश्चन यह था कि गुलाब जो है वो फूल से संबंधित है, तो आम किस चीज़ से संबंधित है, तो आपको पता है फूल में गुलाब आता है, इसी तरीके से फलों में कौन है, आम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा, और फल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैथ में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, मैथ में मेरे पास भी कई क्वेश्चंस आते हैं, मैं उसकी आपसे हमेशा कहता हूँ एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन टाइम एक्चुअली नहीं मिल पाता, मैं कोशिश करता हूँ कि कई सारे वीडियोस बनाने रहते हैं तो आपको वीडियो अपलोड करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो SGF पूछा गया था 52, 78 और 112 का, तो देखिए 2 ही LCM आएगा, कैसे 2 आएगा हम उसकी बात आपको बताते हैं, 16 7 112, 13 6 78 और 13 4 52, तो 13 तो यहाँ से मुझे लगा कि 13 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 13 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 2 लेकिन सब में कॉमन है, तो 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस तरीके से आपके आ रहा है कि अगर x²+2x - 2k, ठीक है, -2 = है आपके पास 0, ये अगर उसने कहा कि x - 2 से विभाजित हो रहा है तो भैया बताइए k की वैल्यू, तो अगर x - 2 से विभाजित होता है तो x = हम क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं, क्यों, क्योंकि x - 2 = होता है 0 और x = हम रख देते हैं 2, अगर 2 इस इक्वेशन सेटिस्फाई कर जा रहा है तो 2 ही सही हो जाता है, मतलब उस हिसाब से k की वैल्यू हमारी निकल आती है। तो इस तरीके का आसान से क्वेश्चन आपसे आ रहा है,
और कोई दिक्कत नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। और देखिए मैं तुरंत ही क्लॉक की वीडियो उसके बाद अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सुबह से अपलोड कर रहा हूँ लेकिन नोटिफिकेशन नहीं जा रही है, जैसे ही नोटिफिकेशन जाएगी मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा और अनअकैडमी में तुरंत फॉलो कर लीजिए, नीचे कई सारे वीडियोज के आपको लिंक दिए वहाँ से फॉलो कर सकते हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वीडियो, थैंक यू सो मच।